हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि अगर कोई सामान अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं और सामान जो आपने खरीदा है वो सामान नहीं, अगर कोई दूसरा सामान आ जाता है या जो सामान आप खरीद रहे हैं वो आपके लायक नहीं है या कुछ खराबी है, तो उसे आप रिफंड कैसे कर सकते हैं, तो सभी प्रोसेस में बताऊंगा। बिल्कुल अपने फ्लिपकार्ट के आईडी पर जाकर के वहां से कैसे आपको सामान को रिफंड करना है और उसका पैसा अपने बैंक अकाउंट पर कैसे मंगाना है, तो सभी प्रोसेस में बताऊंगा। सिर्फ वीडियो को लोग अंत तक देखते रहिएगा और मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। और आप भी अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है और आपके पास आ गया हुआ है, पैसा आपने पेड कर दिया है, उसे अपने बैंक अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, तो कैसे रिफंड करके पैसा अपना वापस ले सकते हैं, सभी मैं प्रोसेस बताऊंगा। चलिए, मैं अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर चलता हूँ, वहाँ से कैसे सामान को रिफंड करना है मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। देख लीजिए, मैं आ चुका हूँ अपने फ्लिपकार्ट के आईडी पर जहाँ से मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा था, और मैंने जहाँ से ख़रीदा था वहीं से वो रिटर्न होगा। और आपको भी इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। और देख लीजिए, यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर माई ऑर्डर दिख रहा है, मैं ये ऑर्डर वाले पर क्लिक कीजिएगा। देख लीजिए माई ऑर्डर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है वो सब इसमें लिस्ट में शो कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट मुझे रिफ़ंड करना है उस पर क्लिक करके मुझे रिफ़ंड करना है। तो खुल रहा है, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, परेशान नहीं होना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, आप बिल्कुल सही तरीके से रिफंड कर सकते हैं और अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में या वॉलेट में वापस ले सकते हैं। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा। देख लीजिए, खुल चुका हुआ है प्रोडक्ट। देख लीजिए, मेरा प्रोडक्ट है ये, डिलीवर हुआ था संडे को 17 अक्टूबर को। देख लीजिए, ये बियॉन्ड मैन एनिमल प्रिंट कैजुअल, ये सब और भी प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा लगा था, मैंने रख लिया है। और ये सब है, ये सब पहले का प्रोडक्ट सब है। देख लीजिए, और ये मैंने जो तुरंत हाल फिलहाल में खरीदा है इसे मुझे रिफ़ंड करना है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये खुल गया, खुलेगा, थोड़ा हो सकता है कि स्लो, तो परेशान नहीं होना है, नेटवर्क स्लो है थोड़ा, ऐसे आप अगर कीजिएगा नेटवर्क क्षेत्र में रख कीजिएगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए, खुल चुका हुआ है, यहाँ पर लिख भी रहा है जो भी प्रोडक्ट है, लिखा भी हुआ है बियॉन्ड मेन एनिमल प्रिंट कैजुअल वाइट शर्ट। ये 494 रुपये का शर्ट था, मैंने इसे कैश ऑन डिलीवरी पर पेमेंट किया था और ये आज मैं ले चुका हूँ, इसे मुझे रिफ़ंड करना है। देख लीजिए, रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है, रिटर्न, रिटर्न वाले पर मुझे क्लिक करना है। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न वाले पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा, खुल गया। आप देखिए, इसमें पूछ रहा है कि क्या रीज़न क्या है आपकी रिटर्न करने का। तो देख लीजिए, मैं यहाँ एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ रीज़न लिखा हुआ है, डोंट लाइक दिस साइज फिट और ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो आप ये साइज़ है आपको फिट नहीं हो रहा है, रिसीव और रॉन्ग आइटम, ये आइटम जो है गलत आइटम रिसीव हुआ है, तो ये क्लिक कर सकते हैं। डोंट वांट द प्रोडक्ट एनी मोर, मतलब और प्रोडक्ट ना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन दिस पैकेज, मतलब प्रोडक्ट पैकेज में नहीं था। रिसीव ए ब्रोकन डैमेज आइटम, मतलब कोई भी सामान अगर ख़राब है, जैसे आप कोई सामान इलेक्ट्रिक सामान लेते हैं वो डैमेज है, तो मतलब जो आपको जिस तरह का आइटम है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो आइटम आपका प्रोडक्ट है वो डैमेज है, मतलब सामान है लेकिन डैमेज है, उसके लिए ये वाला पर टिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मिसिंग है उसमें, मतलब सामान है ही नहीं, तो ये वाला पर क्लिक करना है। और गलत आइटम उसमें आ गया, जैसे बुकिंग किए शर्ट आ गया जींस, तो इसके लिए ये करना है। और डोंट लाइक शर्ट साइज और फिट और दिस प्रोडक्ट, मतलब साइज अगर फिट नहीं है तो ये करना है। और ये क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, मतलब जो आप क्वालिटी आप पसंद कर रहे हैं वो नहीं है, उसमें कुछ सस्पेक्ट लग रहा है, तो वो ये क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे ये जो क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसका साइज मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो इस वाले पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद उसके बाद और भी कुछ मोर डिटेल्स पूछ रहा है। जीपर If is of poor quality, receive a duplicate product, use product receive, use है, मतलब कोई यूज किया, ये पूछ कह रहा है कि कोई जो आप सामान मिला है वो कोई यूज किए हुए था या डुप्लीकेट मिला है या पुअर क्वालिटी है, या आइटम फैब्रिक इज ऑफ पुअर क्वालिटी, रिसीव ए सॉफ्ट सॉलिड डर्टी आइटम, मतलब कोई गंदा आइटम रिसीव हुआ है। स्टिच क्वालिटी इज पुअर, प्रोडक्ट क्वालिटी कलर नॉट गुड आफ्टर वॉश, मतलब धोने के बाद कोई ख़राब हो गया, ये सब पूछ रहा है। तो मैं इसे रिसीव ए डुप्लीकेट प्रोडक्ट के रूप में करता हूँ। डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, सही नहीं है मुझे लग रहा है ये, या यूजेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, या आइटम फैब्रिक पुअर क्वालिटी है, तो मैं इसे पुअर क्वालिटी भी कर सकता हूँ, पुअर क्वालिटी भी दे सकते हैं, क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मैं इसे पुअर क्वालिटी पर ही क्लिक करता हूँ, ये वाले पर। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हो गया, कुछ कमेंट करना है तो इसमें लिख देते हैं। मतलब कोई भी आइटम रहे आपका, शर्ट रहे, जींस रहे, पैंट रहे, मोबाइल रहे, चार्जर रहे, इसमें आइटम इज नॉट गुड लिख दीजिए, या आइटम इज बैड, या आइटम इज नॉट गुड, आइटम इज, सॉरी, इज नॉट गुड, मतलब आइटम अच्छा नहीं है,
मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि कैसे आपको रिफंड करना है। इसमें दे रहा है ऑप्शन कि व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न, यहाँ रिफंड ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पिकअप के लिए एड्रेस दे रहा है। आप इसे चेंज पर भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो, नहीं तो डायरेक्टली रिफंड पर क्लिक कीजिएगा, रिफंड हो जाएगा। मैं डायरेक्टली रिफंड पर क्लिक करता हूँ, रिफंड करना है जो एड्रेस मैंने सेव कर रखा है वही है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर करके एड्रेस चेंज कर लीजिएगा अपना, जहाँ से उसे रिटर्न करवाना चाहते हैं अपना एड्रेस। तो मैं डायरेक्टली जो एड्रेस पर मैंने मंगवाया था उसे रिफंड करना है, यहाँ पर दे रहा है, मैं चेंज नहीं करूँगा, डायरेक्टली रिफंड पर क्लिक करता हूँ। रिफंड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो कर रहा है, तीन आइटम शो कर रहा है। एक तो शो कर रहा है गिफ्ट कार्ड वॉलेट, यानी आप अपने गिफ्ट कार्ड में ही मंगवा सकते हैं और गिफ्ट कार्ड यानी कि आपके वॉलेट में ही रहेगा, उसे आप डायरेक्टली फिर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट भेव UPI, मतलब रिफंड विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट भेव UPI विद इन दो बिजनेस डेज। इसमें दो बिजनेस डेज में हो जाएगा, इसमें भी दो बिजनेस डेज और इसमें भी दो बिजनेस डेज कर रहा है रिफंड के लिए। दो बिजनेस डेज मतलब जिस दिन खुला हुआ रहेगा बैंक उस हिसाब से दो दिन लगेगा आपको। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। बैंक वाले में मैं जाकर बताता हूँ क्या सिलेक्ट करना है। बैंक वाले में जाना है और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा, ऐड न्यू अकाउंट, और ऐड न्यू अकाउंट पर डाल करके अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, फ़ोन नंबर डालिएगा और ऐड अकाउंट करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अकाउंट पर ले सकते हैं। और अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करने देगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपना गिफ्ट कार्ड में लूँगा, गिफ्ट कार्ड वॉलेट में लूँगा, क्योंकि गिफ्ट कार्ड में आएगा फिर मैं उससे परचेज भी कर सकता हूँ, या कुछ ऐड नहीं करना है, वॉलेट में आ जाएगा फिर मैं उससे दूसरा चीज़ परचेज कर लूँगा। मैंने गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद एड्रेस मेरा यही रहेगा जिसको मुझे भेजना है। उसके बाद मुझे मैं जा करके यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ रिटर्न सक्सेसफुल इंटायर्ड लिख दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि रिटर्न सक्सेसफुल इंटायर्ड हो गया है और यहाँ से आप आइटम का देख सकते हैं। आइटम रिटर्न आईडी ये दिया हुआ है, मेरा रिटर्न आईडी है और ये सब मेरा जो अप्रूव हो गया, रिटर्न अप्रूव हो गया हुआ है। और ये 23 यानी 23 अक्टूबर तक आकर के ये पिकअप करके ले जाएगा और मुझे पैसा रिफंड कर देगा। पैसा रिफंड करने के बाद ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मेरा पैसा रिफंड हो गया है और कहां पर शो कर रहा है, मैं बताऊंगा आपको। देख लीजिए यहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो लेने कब आ रहे हैं। देख लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं कैसे आपको कहां पर है वो लोग, कब लेने आएंगे आपका। 23 तारीख को बताया गया है तो 23 तारीख को आएंगे या 24 तारीख को आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है कि मैंने 21 तारीख को ये मैसेज के लिए किया है, 21 अक्टूबर 2021 को, और रिटर्न अप्रूव हो चुका हुआ है और यहाँ पर पिकअप के लिए 23 अक्टूबर तक आएगा, रिफंड जो है मेरा 24 अक्टूबर तक हो जाएगा एक्सपेक्टेड, 24 अक्टूबर बता रहा है। कभी कभी एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है बारिश के लेकर के या किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो तब, लेकिन लगभग लगभग टाइम से हो जाता है। अगर अदरवाइज आपको रिटर्न कैंसिल करना है, बाद में कुछ सामान लगता है सही है, तो यहाँ से कैंसिल रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ और भी हेल्प चाहिए, समय ज़्यादा लग रहा है तो रिटर्न पर नीड हेल्प पर क्लिक करके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मेरे जो भी जानकारी थी इससे रिलेटेड कि रिटर्न कैसे करना है मैंने बता दिया। और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जोड़ दूंगा। और भी किसी भी प्रोडक्ट संबंधित आप चाहते हैं मुझसे जानकारी लेना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस प्रोडक्ट संबंधित या कुछ और भी टेक्निकल वीडियो संबंधित मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बताएं, फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आज लेना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।